Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a ball is given a speed v on a rough horizontal surface. The ball travels through a distance L on the surface and stops. What are the initial and final kinetic energies of the ball? Fine. So इस तरह से देखो, ये आपके पास एक horizontal surface है, rough horizontal surface, और इस पे आपने एक particle को, एक ball है, उसे initial speed v दे रखा था, जो finally कुछ distance L move करने के बाद stop हो गई. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो, बिकॉज फाइनली जो इसका स्पीड है वो जीरो हो जाएगा, राइट. सो पार्ट बी, व्हाट इज द वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन. सो वर्क डन विल बी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट. सो आपको देखो, यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है ना, दैट इज नॉट गिवन, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, एन इंटू म्यू के, राइट. एन तो ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू एम जी, राइट. आप देखो इस पर कितने फोर्सेस लगेंगे, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में एम जी, और ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, और अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन द बॉल एंड द सरफेस, देन जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट. सो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, एन इंटू म्यू के, बट यहाँ पे म्यू के इज नॉट गिवन, सो वी कैन नॉट यू नो फाइंड आउट द वर्क बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द वर्क. तब वर्क कैसे निकाल सकते हैं, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम. सो वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, के फाइनल माइनस के इनिशियल. के फाइनल कितना है, जीरो, और के इनिशियल कितना है, हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर, राइट. सो नाउ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, तो कितने फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन एम जी. अब देखो, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, वर्क डन बाय एम जी भी जीरो होगा, बिकॉज दीज टू फोर्सेज आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, और जो नॉर्मल है और एम जी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है. सो इनका कोई वर्क नहीं होगा. वर्क किसका होगा, वर्क विल बी ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स, राइट. सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी माइनस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, है ना. सो दिस इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स. या तो इस तरह से निकाल सकते हो, या फिर वर्क डन यू कैन ऑल्सो राइट इट एज वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉल. देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, आइदर यू कैन राइट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, और यू कैन राइट वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल और ऑन द पार्टिकल दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. जैसे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस की अगर हम बात करें, सो मान लो ये बॉल है, इसमें मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, राइट. सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस को क्या लिखोगे, एफ वन डॉट डी. डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, कितना डिस्प्लेस हो गया, राइट. देन प्लस F2 dot D, displacement of the ball will remain constant. I am writing the work done by all the forces acting on this particle, है ना. सो इस तरह से आप मान लो n forces लग रहे हैं, तो Fn, है ना, dot D. सो ये vector form में है, और इसी को आप लिख सकते हो D common लेके F1 plus F2 plus F3 up to dash dash Fn, है ना, into इसका dot product with D. सो ये क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. सो ये हो गया एफ नेट डॉट डी. सो आप देखो, अगर हम इस मेथड से करें कि वर्क डन बाय द नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, आप देखो एम जी और नॉर्मल रिएक्शन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना, एक ही फोर्स बचेगा, दैट विल बी द नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना. और वर्क डन बाय द नेट फोर्स दैट इज वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज माइनस ऑफ हाफ इंटू वी स्क्वायर. और ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन. सो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, और जो बॉल का मोशन है या फिर डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की तरफ हो रहा है, राइट. सो इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हो दैट द वर्क डन विल बी नेगेटिव. फाइन, आई होप इट्स क्लियर. लेट मी नो इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन. You know, we can discuss. Okay guys, keep working hard. Best of luck for your exams.